अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सेमीफाइनल की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि अंडर 23 का सेमीफाइनल एशिया कप का खेला जा रहा है, उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जबरदस्त किस्म की बैटिंग देखने को मिली है। सबसे पहले तो लाइक करें हैदर अली के जितने भी चाहने वाले हैं, उमैर बिन यूसुफ के जितने भी चाहने वाले हैं, रुहेल नजीर के जितने, मतलब ये कि पाकिस्तान के अंडर 23 के प्लेयर्स के जितने भी चाहने वाले हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो सब्सक्राइब लाजमी करते हैं और कमेंट से मुझे आप लोगों ने बताना है कि इनमें से आपका फेवरेट कौन है। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करो, वहां पर आपको ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं आज तक शायद ही किसी ने बनाई हो, तो उसका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं देख रहा हूँ कौन कौन कंजूसी करता है, कौन कौन जाके सब्सक्राइब नहीं करता, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रुहेल नसीर ने पहले बैटिंग करते हुए 267 रन स्कोर कर लिए हैं। पाकिस्तान के अंडर 23 टीम ने 267 रन स्कोर किया और उनके साथ खिलाड़ी आउट हुए। अगर हम पाकिस्तानी बैटिंग की बात करते हैं, उमैर बिन यूसुफ ने 66 रन स्कोर किए, 3 चौका लगाया, 2 छक्के लगाने में कामयाब, इनको शिवम मवी ने आउट किया। हैदर अली की बात करते हैं तो 43 रन स्कोर किया हैदर अली ने, 60 गेंदों का सामना किया, 5 चौके लगाने में कामयाब हुए, 1 छक्का भी इन्होंने लगाया, इनको शौकीन ने आउट किया। अगर हम रुहेल नसीर की बात करते हैं जो कि कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर भी हैं, 41 गेंदों पर 35 रन बनाकर जो आउट हुए, 2 चौके लगाने में कामयाब, 1 छक्का भी इन्होंने लगाया, इनको डिजाई ने आउट किया। अगर हम साउथ शकील की बात करते हैं जो कि पहले कैप्टन मुकर्रर हुए थे लेकिन अब कैप्टनसी के फराइज रुहेल नसीर सर अंजाम दे रखे हैं, इन्होंने 8 गेंदों पर 13 रन स्कोर किए, 3 चौके लगाए, सऊद शकील को भी शौकीन ने आउट किया। अगर हम सैफ बदर की बात करते हैं जो कि मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे, पिछले पीएसएल में 48 गेंद पर 47 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे, 1 चौका लगाया, 1 छक्का इन्होंने लगाया। इमरान रफी की बात करते हैं तो 30 गेंद पर 28 रन बनाकर ये आउट हुए, शिवम मवी ने इनको आउट किया, 2 चौके लगाए, 1 छक्का भी इन्होंने लगाया। कुशल शाह की बात करते हैं तो 13 रन स्कोर किए, 1 छक्का लगाया और 1 चौका लगाने में कामयाब है। अम्माद बट की बात करते हैं तो 8 रन बनाए, आउट हुए और 7 गेंदों का सामना किया, 1 चौका भी लगाया। उमर खान नॉट आउट रहे, 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर। इसी तरह पाकिस्तान ने 267 रन स्कोर कर लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 267 रन स्कोर किया और दूसरी बैटिंग का भारतीय टीम के, अब देखना होगा कि कैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है भारतीय टीम। अगर हम भारतीय बॉलर्स की बात करते हैं तो शिवम मवी ने 10 ओवर में 53 रन दिए, 2 खिलाड़ी को आउट किया, डुबे ने 9 ओवर में 60 रन दिए, 2 खिलाड़ी को आउट किया, डिजाई ने 8 ओवर में 37 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया, सनवीर सिंह की बात करते हैं तो 4 ओवर में 12 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया, एस के शर्मा की बात करते हैं तो 9 ओवर में 42 रन दिए, किसी खिलाड़ी को उन्होंने भी आउट नहीं किया, ऋतिक शौकीन की बात करते हैं तो उन्होंने 10 ओवर में 59 रन दिए, 2 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप भी काफी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप कैसी है, अकीफ जवेद, मोहम्मद हसनैन, इसके अलावा आपको अहमद बट, उमर खान, बहुत अच्छी बॉलिंग है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।